केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मोर्चा खोलकर उतर आए हैं। आज अमित शाह ने उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 3 जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान शाह ने तमाम अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। अमित शाह ने अपनी जनसभाओं में क्या कुछ कहा और विपक्ष को किस तरीके से घेरा, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि अमित शाह ने कहाँ कहाँ जनसभाएं की। अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश की संगम नगरी यानी प्रयागराज में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं अमित शाह की दूसरी रैली जौनपुर के मछली शहर लोकसभा सीट पर हुई। फिर शाह की तीसरी रैली बिहार में हुई। बिहार के पश्चिमी चंपारण में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए उतरे अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा, तो साथ ही POK को लेकर के भी विपक्ष पर करारा हमला बोला। इस दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए अमित शाह ने क्या कहा, देखिए। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करे। मैं आज पूछने आया हूं सोराव वालों को कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जोर से बोलो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर कहते हैं एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को छोड़ दो। राहुल बाबा, आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। वही उत्तर प्रदेश के बाद गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पश्चिम चंपारण में जनसभा को संबोधित किया। यहां अपने भाषण के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने ऐलान किया कि डायरी में लिखकर रख लेना, 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं, वहीं लालू जी की पार्टी को 4 और राहुल गांधी को 40 सीट भी नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही शाह ने यह दावा किया कि इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ होने वाला है और इस दौरान शाह ने पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार संजय जायसवाल को जिताने की अपील की। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। मैं लालू जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और आप चुप बैठे रहते थे। क्यों चुप बैठते थे? वो वोट बैंक के डर से चुप बैठते थे। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, बिहार वालों ने एक छोड़कर सभी सीटें दे दी, उरी और पुलवामा में हमला हुआ और मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम मोदी जी ने ये बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम इस देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, देखे एक मजबूत सरकार मजबूत नेता अगर देश में आता है तो कैसे काम होते हैं। पहले कश्मीर में यहां पर पथराव होता था, आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में पथराव हो रहा है।